नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्पेशल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ यह इन्फॉर्मेशन पार्ट वन और पार्ट थ्री के वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जो छात्र छात्राएँ एग्जामिनेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट से भर रहे हैं। सब कुछ तो सही सही भरा जा रहा है, लेकिन जब बात आती है पेमेंट प्रोसेसिंग का तो उस समय छात्रों का पेमेंट कट जाता है और उनका प्रिंट आउट भी नहीं निकल पाता है। तो वो मुझे कमेंट करके कह रहे हैं कि सर, हमने एक बार पेमेंट कर दिए हैं लेकिन मेरा प्रिंट जो है वो नहीं निकल रहा है। और कुछ ऐसे छात्र भी है जो कह रहे हैं कि सर, मैंने दो बार पेमेंट कर दिए लेकिन प्रिंट नहीं निकल रहा है। कुछ ऐसे भी छात्र हैं, मेरे चैनल पर अभी भी बहुत सारे जो है कमेंट जो है वो पड़ा हुआ होगा कि कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो तीन बार चार बार तक पेमेंट कर दिया है। ठीक है भाई, पेमेंट जो है पैसा गाछ में नहीं फटता है। ठीक है, इसीलिए आप इस तरह से बर्बाद नहीं करिए तो ही अच्छा है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने आपसे चार बार पेमेंट नहीं मांगा है, ठीक है, और ना ही दो बार मांगा है, यूनिवर्सिटी एक बार पेमेंट मांगा है। अब पार्ट थ्री वाले छात्र भी ऐसे ही कर रहे हैं कि मैं दो बार पेमेंट कर दिया, मेरा पेमेंट कट गया तो मैं क्या करूँ। तो देखिए, पार्ट वन वाला का तो कम पैसा लगा तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन एक बार पेमेंट करना था, पैसा फिर में नहीं उगते हैं। अब आप भी दो बार पेमेंट कर देते हैं, तीन बार पेमेंट कर देते हैं तो ऐसा करने को यूनिवर्सिटी कहा है? नहीं कहा है। ठीक है, तो क्यों करते हैं आप लोग बिना मतलब के पेमेंट दो बार क्यों करते हैं? ठीक है, आप लोगों को एक बार से ज़्यादा पेमेंट नहीं करना है, चाहे आपके लॉगिन होने पर आपको प्रिंट आउट दिख रहा है नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक बार से ज़्यादा पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, आपको स्लिप निकलेगा, अगर आप वैसे ही छोड़ दीजिएगा तब निकलेगा और तुरंत पेमेंट कटा और तुरंत आप जा करके देखते हैं तो देखिए, आपने सबसे पहले तो गलती यह किए होंगे कि जब पेमेंट प्रोसेसिंग में, जब पेमेंट कटने के प्रोसेसिंग में टाइम ले रहा होगा तो आप पेज को रिफ्रेश करते हुएगा। ठीक है, पेज को रिफ्रेश नहीं करना है। ठीक है, पेज को तो आप लोग भी एक बार भी रिफ्रेश नहीं करिए। ठीक है, जब तक OTP आया, OTP आने के बाद जो आप पेमेंट प्रोसेसिंग होता है उसमें तो आपको रिफ्रेश करना ही नहीं है। 10 मिनट समय ले, 5 मिनट समय ले, लेने देना है। ठीक है, लेने देना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। और यही गलती करते हैं आप लोग कि जहां 1 से 2 मिनट समय लिया कि आप रिफ्रेश करना शुरू कर देते हैं। तो भाई, OTP एक बार आ चुका है और आपने वो OTP सबमिट कर दिए हैं तो एक बार पैसा आपको कट जाएगा। ठीक है, इसीलिए फिर आप लोग को कट भी जाता है ना रिफ्रेश करके, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। और रिफ्रेश करना ही नहीं है पहली बात, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एक बार पेमेंट कटाने के बाद जो छोड़ देना है उसे। ठीक है, अगर आपको लॉगिन करके देखते हैं कि प्रिंट आउट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको मैक्सिमम समय दिया जाता है 3 दिन का। ठीक है, मैक्सिमम समय 3 दिन का दिया जाता है जिसमें आपका जो प्रिंट है ना वो शो अप हो जाएगा, आपको एक से ज़्यादा पेमेंट नहीं करना है, प्रिंट शो अप हो जाएगा। आप लोग इंतज़ार करिएगा मैक्सिमम 3 दिनों का। ठीक है, वैसे 24 घंटा तक में ये सोल्व हो जाता है, फिर भी आप लोगों को 3 दिनों तक वेट करना है क्योंकि पैसा आप लोगों को बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, तो आप लोग स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि पेमेंट प्रोसेसिंग में जो भी परेशानियाँ हो रही है तो उसके लिए दोबारा पेमेंट नहीं कटाना है और पेमेंट प्रोसेसिंग के समय पेज को रिफ्रेश नहीं करना है। यही मैं आप लोगों को बताने के लिए आया था। और एक बात, अब आप लोग कहिएगा कि सर, पेमेंट हमारा रिफंड होगा कि नहीं होगा? जितना बार भी पेमेंट कटाइएगा वो पेमेंट आपका रिफंड नहीं होगा, आप वैसे कि वैसे ही रह जाइएगा। ठीक है, माथा पेची नहीं करिए, आपको पेमेंट एक बार से ज़्यादा बार नहीं कटाना है, पैसा नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। ठीक है, हम आपको बार बार कह रहे हैं, एक बार से ज़्यादा या एक बार भी करते हैं तो वो पैसा नहीं आएगा आपका, तो इसीलिए एक बार पेमेंट मांगा है तो एक बार ही आप लोगों को देना है, इससे ज़्यादा नहीं। अगला वीडियो में जो छात्र पार्ट 3 के हैं जिनके पेपर 8 के बारे में समस्या है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा।